बिजली सार्फीन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमत में 6.10 रुपए इजाफे का इम्कान है। जनवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई है। नेप्रा CCPA की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाप्त करेगा। तो बिजली की कीमत में 6.10 रुपए इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जनवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। अलीम, पहले पेट्रोल 12 रुपए बढ़ गया, बिजली 6 रुपए बढ़ने जा रही है, क्या कहा गया है दरख्वास्त में? बिजली की कीमत में अगर हम बात करें तो गुज़श्ता जो 2-3 माह हैं उनसे एक बड़ा इजाफा आ रहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। और इस दफा जो CPPA की जानिब से दरख्वास्त दी गई है उसके बिजली की कीमत में तकरीबन 6.10 रुपए का फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई है। जनवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें ये कहा गया है कि जनवरी में जो हाइडल है उससे तकरीबन 5.83% बिजली पैदा की गई है, जबकि कोयले से 33.15% बिजली पैदा की गई है। इसमें जो डीजल है उसमें इस दफा ज्यादा बिजली पैदा की गई है क्योंकि डीजल से 6.73% जो है बिजली पैदा की गई है। पहले डीजल से बिजली बहुत ही कम पैदा की जा रही थी। तो इसके साथ साथ जो फर्नस ऑयल है फर्नस ऑयल से 14.07% बिजली पैदा की गई है। फर्नस ऑयल भी यकीनी तौर पर एक महंगा जो ईंधन है जिससे बिजली की कास्ट जो है उस पर बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो LNG है उससे कम बिजली पैदा की गई है। इस दफा जो CPPA ने जो अपना डाटा दिया है उसके मुताबिक जो LNG है उसे 7.12% बिजली पैदा की गई है, जबकि मकामी गैस से 14.37% बिजली पैदा की गई है। एक अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि जौहरी ईंधन जो है उससे एक बिजली सस्ती पैदा होती है तो उससे इस दफा जो जनवरी में बिजली पैदा की गई है वो 14.37% है। जो दरख्वास्त दायर की गई है अगर ये मंजूर हो जाती है तो इससे तकरीबन बिजली सार्फीन पर तकरीबन अब 60 अरब रुपए का इजाफी इम्पैक्ट बोझ पड़ेगा जो कि 60 अरब का बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अलीम। और वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला। वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़ुज़ात थे, काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से यह बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का ये अहम और बड़ा फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला है और वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़ुज़ात थे, काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तला'अत फवाद चौधरी का कहना है कि अदम एतमाद की बातें करने वालों पर उनके घर वाले एतमाद नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत को वफाक और पंजाब में भी कोई खतरा नहीं। जहांगीर तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फवाद चौधरी पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे। ये मुंह और मसूर की दाल, इनसे अदम एतमाद कहाँ पे लाया जाना है? ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके, नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर जो जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आनी, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता, वो कमज़ोर हो गए तो क्या। लेकिन अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेंगे। जबकि नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के लोग राबते में हैं, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई खतरा नहीं तो हुकूमत वजारतें क्यों बांट रही है? किसी एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। मंडी बहाउद्दीन में सरकारी मशीनरी का जलसा था, वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। लॉन्ग मार्च भी का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे और उसके अलावा अदम एतमाद भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा और ये एक नहल और नालायक टोला जो इस मुल्क में मुसल्लत है उससे निजात मिलेगी। वही सरकारी मशीनरी का जलसा था जो ये मंडी बहाउद्दीन में किया, अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं और हमारे साथ रابطے में भी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन अनासर ने साबित किया है कि उनकी सियासत किसी उसूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं और ना ही उन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया।
मुस्तरदशुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। अवाम इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर सर्फ की है। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो, अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें इंसाफ की जल्दी होनी चाहिए। अपोजिशन मिन्नतों पर आ गई, अदम एतमाद पर हिमायत के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रहे हैं। हसन खावर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब और उनका जो खानदान है वो अभी तक अपनी जो तारीखें लेने के ऊपर मुसर है। एक तरफ वो ये इसरार कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, बेगुनाह को तो इंसाफ लेने की जल्दी होती है। ये कैसे बेगुनाह है कि जो चाहते हैं कि इंसाफ का जो पहिया है वो चलना ही ना पाए, उसमें हर तरह की वो रुकावट डालना चाहते हैं, तो ये लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अपोजिशन जो है वो पिछले 3.5 साल से कभी प्लान करती है, कभी इकट्ठे होती है, कभी अलग होती है, कभी साजिशें करती है, कभी दुआएँ करती है, कभी भड़के मारती है, कभी दावे करती है, और अब मिन्नतों पे आ गए हैं। कभी एक दरवाजे पे जा रहे हैं, कभी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा के लिए को हमारे साथ मिल जाए, हम तहरीके आदम एतमाद ले आए। शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके आदम एतमाद पर तआवुन मांग लिया और शहबाज शरीफ की तहरीके आदम एतमाद के बाद आइंदा भी साथ चलने की पेशकश। मुलाकात के हवाले से तरीन ग्रुप का तस्दीक से इनकार। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से राबते पर तस्दीक या तरदीद बारे मुकम्मल खामोशी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, कौन से ज़राए हैं जो बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, हालांकि तरीन ग्रुप तो इनकार कर रहा है और जो नून लीग है वो अभी खामोश है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसमें एक अहम पेशरफ्त है जिसके मुताबिक ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ और तरीन ग्रुप के जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ अपने अतमाद तहरीक पर जो है वो बात की गई है। शहबाज से मुलाकात में जहांगीर तरीन को वजीर आजम के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद में तावन करने के लिए कायम किया, और शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के बाद जो जहांगीर तरीन के अरकान ग्रुप का पार्लियामेंट है उनके साथ जो है वो इंतखाबात के हवाले से भी सियासी तआवुन और सियासी बातचीत की है। अब मुलाकात के हवाले से जब जहांगीर सिंह और उनके ग्रुप से तस्दीक के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग की क्यादत की जानिब से रब्ते पर जो है ना तो तस्दीक की जा रही है और ना ही इसकी तरदीद की जा रही है। तो ज़राए इस बात के लिए जो है वो पूरा कंफर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसा दिनों में हुई है, जिसके बाद दोनों जमातों में इस बात पर इत्तेफाक पाया गया है और तरीन ग्रुप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी तय कर चुका है कि जब मुस्लिम लीग और आपूर्ति की जानब से बाजाबा अदम एतमाद की तहरीक मूव की जाएगी तब तरीन ग्रुप जो है वो खुलकर अपनी स्ट्रैटेजी लेकर बाहर आ जाएगा और हुकूमत मुखालिफ स्ट्रैटेजी में जो है वो अपोजिशन के साथ तआवुन करेगा। इस हवाले से ये बात बुनियादी बातें जो है इनके बैकग्राउंड रातों से और बैकग्राउंड मुलाकातों में तय होती हैं, लेकिन अब अगर शहबाज पर जहांगीर तरीन की मुलाकात की बात जाए तो इसमें तीन ग्रुप जो है वो मुलाकात का इनकार कर रहे हैं, तहम मुस्लिम की जानब से तब्दील या तस्दीक के हवाले से मुकम्मल खामोशी है। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लाहौर ले चलेंगे। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं पे बाद में जाके फिर हम भी जलसा करें, दोनों जलसों का फ़र्क जो है वो लोगों को ज़ाहिर हो जाएगा और उन जलसों से जो है वो हमारे पार्टी के सदर और मरियम नवाज शरीफ जो है वो ख़ताब करें। ये एक तजवीज़ है और अगर ये तजवीज़ जो है वो पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली तो ये मंडी बहाउद्दीन में जो इसने जलसा किया है उस जलसे का और जो फिर जलसा हम जाके करेंगे, लोगों को फ़र्क मालूम हो जाएगा कि अवाम का जलसा क्या होता है और वज़ीर आज़म का जलसा क्या होता है। आप मुझे बताएं कि कल जब वो ख़ताब कर रहे थे वो लोग जो सामने बैठे थे उनका जो रिस्पांस था, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी सियासी जमात का जलसा था? हाँ, वो वज़ीर आज़म का जलसा था और वहाँ की इंतज़ामिया उसकी जो है वो होस्ट थी और उन्होंने लोगों को जिस तरह से भी लाया और ला के वहाँ पर बैठाया, तो ये इसको सिर्फ ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि अब इसे ये मालूम हो चुका है कि इसकी जो मंजी है ना वो ठुकने वाली। अच्छा राणा साहब, यहाँ पर अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब में अगर आप थोड़े से अरकान असेंबली को अपने साथ मिला लें तो आपकी नंबर गेम पूरी हो सकती है, तो वो नंबर गेम की आपकी पूरी हो गई? टोटल देखिए, टोटल यानी थोड़ा बहुत एक दो का फ़र्क हो सकता है, 15 का फिगर है ऊपर भी और नीचे भी, यानी अब 15 का फिगर है ऊपर और नीचे, अगर वो लोग पीछे हट जाएँ, जबकि इससे ज़्यादा लोग हटना चाहते हैं,
इस वक्त हालत ये है कि लोगों को बुला के 2-2 अरब रुपए के डेवलपमेंट पैकेज जो है वो उनको दिए जा रहे हैं, उनके पिछले काम जो 4 साल में नहीं हुए वो जो है वो ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, उनके हलकों के अफसर उनके कहने के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है, और उसके अलावा IB जो है उसको पीछे लगाया हुआ है, और फिर लोगों को अब ये मोहसिन बेग वाला जो वाकया हुआ है, इस वाकये को भी सिर्फ लोगों को थ्रेटन करने के लिए कि हम किस हद तक जा सकते हैं किया गया है, वरना नहीं तो उसे अगर पकड़ना ही था तो उसके घर में दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी, वो ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बाहर निकलता तो वहाँ से उसको जो पकड़ लेते। फिर उसके बाद थाने में जब आप गिरफ्तार करके ले आए हैं उसके बाद उसको थाने में तशद्दुद करना, ये कहाँ की जो है वो यानी रूल है या ला है। थाने में उसको तशद्दुद किया गया, और फिर वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई, वज़ीर आज़म ने यानी वज़ीर आज़म ने कश्मीर के ऊपर, अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर, कराची में एक सीनियर सहाफ़ी जो है वो उसे शहीद कर दिया गया, यानी दिन के वक्त सड़क के ऊपर जो है उसे शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर उसने मीटिंग नहीं बुलाई। उसने मीटिंग किसके ऊपर बुलाई कि मोहसिन बेग जो है उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे जज ने रिलीफ क्यों दिया है, उस जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करो और उसे कल को पेश करना है अदालत में, उसके दोनों हाथों को हथकड़ी लगनी चाहिए। ये भी मैं आपको ये यानी बिल्कुल हार्शेज माउथ है कि बाकायदा SSP इस्लामाबाद को कहा गया कि उसके दोनों हाथों को हथकड़ी लगा के उसको अदालत में पेश कर। ये है वज़ीर आज़म का लेवल, ये है उसके इंतकाम का लेवल। इससे पहले भी आपने वो तस्वीर भी वायरल मीडिया पे देखी होगी जिसमें आशिक फरदौस आशिक अवान बैठी है, शहरयार अफरीदी बैठा है, TGANF बैठा है, और वज़ीर आज़म उनकी तैयारी करवा रहा है, वो मेरे केस में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा दाना सर, ये इस तरह का जब आप हालात देखें कि मुल्क में हैं तो इस तरह मुल्क चल सकता है, इस तरह से बात आगे बढ़ी। आपने एक बार कुछ चीज़ों की और वीडियोस की बात की थी तो आपको उठा लिया गया था, अब आप शहबाज गिल के हवाले से और शहजाद अकबर की वीडियोस की बात कर रहे हैं, ऊपर से बुराज सईद भी कहते हैं आप उनके खिलाफ गलीज बातें करते हैं, तो फिर उठा लिए गए तो फिर क्या बनेगा, एहतियात ज़रूरी है। देखिए हम तो उठाए जाने के आदी हो चुके हैं, अब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म लेवल पे आदमी जो है वो कल जलसे में खड़ा हो के जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था, अब मैं उसे कंडेम कर रहा हूँ, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसका आप जवाब देना चाहें तो फिर वो कहाँ से आप इतने जो है वो सोफिस्टिकेटेड अल्फाज लेके आएंगे। जब ये लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की बात करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो ठीक है, हमारी तरफ से भी बात हो जाती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बुनियादी तौर पे हम इस बात के दाई हैं कि सियासत में इज़्ज़त होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए, एक दूसरे के लीडर का जो है वो इत्राम होना चाहिए, अल्फाज के चुनाव में जो है वो बिल्कुल जो है वो यानी वाइजनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन जब एक लीडर जो है, एक वज़ीर आज़म जो है वो उठ के लोगों की नकलें उतारनी शुरू कर दे और किसी को किसी नाम से और किसी को किसी नाम से और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो सारी कौम ने कल सुने हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने इसको जो है वो कंडेम किया। राधा साहब, PTI के कितने लोग राधा साहब आपने PTI राधा साहब ये सारे PTI के हैं। अच्छा राधा साहब, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अपोजिशन अदम इत्माद लाने के लिए किसी इशारे का इंतजार कर रही है, फाइनल इशारे का इंतजार कर रही है, इसको भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं देखे, हमारी तो बुनियादी सियासत ही ये है कि इशारे ख़त्म होने चाहिए, अम्पायर को जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, बल्कि अम्पायर का तो माने ही न्यूट्रल होता है। तो हम तो इस माहौल में कि कोई इशारा ना हो। आवाम महंगाई से परेशान है, मार्केट्स का रुख तो करते हैं लेकिन कुव्वते खरीद ना होने के बराबर है। इस्लामाबाद की मार्केट में क्या सूरत हाल है बता रही हैं हमारे रिपोर्टर फौसिया अली।
अच्छा बिल्कुल, महंगाई का जिन बेकाबू है, हर कोई इस महंगाई से परेशान दिखाई देता है। आम मार्केट हो या फिर सब्जी मंडी, वहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं लेकिन कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है लोगों की। सब्जियों की कीमतों की बात करें तो वो भी आसमान को छू रही है। आज टमाटर जो है वो 140 से 150 रुपए फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन की कीमत जो है वो 400 से 500 रुपए मुख्तलिफ जगहों पर फी किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक इसी तरह जो है वो 300 से 350 रुपए फी किलो मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त हो रही है। मटर जो है वो 100 रुपए फरोख्त हो रही है, यानी कि मौसमी सब्जियां भी जो है वो आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। मुर्गी जो है वो 360 रुपए फी किलो रेट है आज, और लोग यही कहते हैं कि खरीदने के लिए वो घरों से बाहर तो निकलते हैं लेकिन अब उनके पास दाल खरीदने की भी सकत नहीं रही है। दालों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इस हफ्ते भी दाल चना और दाल मसूर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। आवाम का यही कहना है कि हुकूमत महंगाई के इस जिन पर काबू पाए ताकि दो वक्त की रोटी का हुसूल उनके लिए मुमकिन हो सके। जी।